हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस और सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं जे क्यूरी का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले दो वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था उसका थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। मैंने ये बताया था कि सपोज करिए, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक, कि हमें पैराग्राफ को सिलेक्ट करनी है और वो पैराग्राफ किसी डिव के अंदर है, ठीक है। तो एक ने बताया था कि वो पैराग्राफ चाहिए जो हर एक डिव के लिए फर्स्ट एलिमेंट हो, चाहे उस पैराग्राफ वो पैराग्राफ किसी भी लाइन नंबर ऑफ लाइन पर हो। यानी कि उस डिव के अंदर मान लीजिए बहुत सारा भी टैग है, बहुत सारा टैग है, लेकिन अगर वो पैराग्राफ फर्स्ट जिस भी पोजीशन पर मिले उसको सेलेक्ट कर ले। और दूसरा बताया था हमने लास्ट के लिए, ठीक। तो फर्स्ट तो सही है, लेकिन लास्ट कौन सा लास्ट? लास्ट हमने केवल बिल्कुल लास्ट वाला टारगेट करने के लिए बताया था। अगर सपोज करिए फर्स्ट और लास्ट के अलावा अगर कोई बोल दे कि जो सेकेंड लास्ट हो, जो थर्ड लास्ट हो, या जो पांचवें नंबर पर है, जो 10वें नंबर पर है, जो 20वें नंबर पर जो पैराग्राफ है उसको टारगेट करने के लिए अगर कोई बोल दे विदाउट टाइप चेकिंग, यानी कि सेम टाइप का, ठीक, तो कैसे करेंगे? ठीक, तो चलिए ले चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और दिखाते हैं। देखिए, तो ये पिछले वीडियो का कोड है, इसी को मैं अगर कॉपी करके आगे आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बने, क्योंकि बहुत सारा इसमें हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो जितना शॉर्ट बने और हर एक टॉपिक पर बने तभी आप लोगों को पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं इंडेक्स 13.html, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, देख लीजिए। इसको तो मैं मिनिमाइज कर दूँ। देखिए, तो यहाँ पर मैंने बताया था फर्स्ट के लिए और लास्ट के लिए भी, ठीक। अब सपोज करिए, अब लास्ट में क्या है? लास्ट में अभी इसको मान लीजिए कि मैं मिनिमाइज कर दूं, अब कमेंट अनकमेंट कर कमेंट कर दूं, इसको अनकमेंट करता हूं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, पहले मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ फिर मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। देखिए, अभी लास्ट में ये लास्ट है इसको कर लिया, ये लास्ट में ये लास्ट इसको कर लिया। सपोज करिए इसके अलावा बहुत सारा और भी टैग है, मान लीजिए यहाँ पर एंगुलर दो तीन और है, ठीक है। यहाँ पर कर दिया मैंने क्या, नोड जेएस, यहाँ पर कर दिया ए डब्ल्यू एस, यहाँ पर कर दिया ए जेड यू आर एजोर, ठीक है, यहाँ पर रिएक्ट, ठीक। और यहाँ पर भी मान लीजिए मैंने कर दिया क्या पैराग्राफ, और यहाँ पर कर दिया क्या P3, ठीक है। यहाँ पर भी पैराग्राफ लिया, और यहाँ पर दिया हाय, यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिया, दिया HELLO हेलो, ठीक। अब इसका आउटपुट देखिए अभी, ठीक है। अभी हमने लास्ट वाला यूज किया, देखिए लास्ट इसका ये लास्ट है कर लिया, इसका लास्ट ये कर लिया, ठीक है। इसमें अभी नहीं किया क्योंकि हमने केवल डीप के अंदर का कोडिंग किया हुआ। देख लीजिए अब यहाँ पर वो पैराग्राफ जो डीप के अंदर हो, ठीक है। तो चलिए अभी डीप वाला ही एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम विदाउट डीप वाला करेंगे, ठीक है, जैसा जो पेरेंट होगा उसके अकॉर्डिंग अप्लाई होगा, ठीक। अब देखिए, अभी यहाँ पर क्या, ये हमने फर्स्ट और लास्ट बताया था, यहाँ पर फर्स्ट कर देंगे तो ये केवल फर्स्ट को करेगा, लास्ट कर देंगे तो केवल लास्ट को करेगा। मान लीजिए हमें सेकेंड लास्ट को करना है तो क्या करेंगे, ठीक। तो इसके लिए आप लोगों को सिलेक्टर आना चाहिए। देखिए सेकेंड लास्ट के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मैं इसको तो मैं कॉपी और कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर पेस्ट, या जरूरत नहीं है इसका भी। देखिए, तो लास्ट ऑफ टाइप इसको हटाएंगे और क्या करेंगे, या इसको रहने दीजिए, यहाँ पर लिखे क्या सिंपली एंथ, एंथ हाइफन लास्ट ऑफ टाइप, और यहाँ पर बनाइए मेथड की तरह, ठीक। और यहाँ पर पास कर दीजिए कौन सा लास्ट, मान लीजिए हमें देखिए जो पहले आउटपुट आ रहा था इसको भी अभी हम कॉपी करते कंट्रोल जेड करते हैं, इसको रहने दीजिए। देखिए इसको पेस्ट, अभी ये क्या कर रहा था, ये लास्ट वाला कर रहा था, जो काम लास्ट ऑफ टाइप कर रहा है वही काम अगर मैं यहाँ पर वन पास कर दूँ तो जो काम ये कर रहा था वही काम अभी ये भी कर रहा है, क्योंकि हमने लास्ट लास्ट को सेलेक्ट करने के लिए बोला, लेकिन कौन सा लास्ट, पहला सबसे फर्स्ट लास्ट, यानी कि नीचे से सबसे पहला, ठीक है। देख लीजिए अभी जो ये P3 रिएक्ट जेस जो हो रहा था अभी भी वही आउटपुट आएगा, देख लीजिए P3 और रिएक्ट जेस। अगर मैं अब मुझे अब चाहिए सेकेंड लास्ट तो यहाँ पर क्या करूँगा, सेकेंड टू पास कर दूंगा, देख लीजिए जो टू होगा वो वाला सेलेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर P2 हो गया और यहाँ पर एजोर हो गया। अगर मैं थ्री कर दूंगा तो थ्री वाला हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, जो चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंथ लास्ट ऑफ टाइप से, ठीक। देख लीजिए, देख लीजिए ये थर्ड वाला हो गया,
ठीक है, सेम चीज मान लीजिए हमें डिव के बाहर करनी है, ठीक है, तो डिव यहाँ से हटा देंगे। अब क्या कर दिया हमने, डिव के, अब ये जो पेरेंट है, जो भी इसका पेरेंट है इस पैराग्राफ का, ठीक है, उसके उस पेरेंट के अंदर थर्ड नंबर पर जो भी पैराग्राफ होगा, ठीक है, उसको ये क्या कर देगा, टारगेट कर लेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, ये लास्ट ऑफ टाइप, ठीक, देख लीजिए, ये नीचे से काउंट कर रहा है, ठीक है। देखिए सपोज करिए, यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ मैं, एक और मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने क्या, MONGO मोंगो डी पी लिख दिया मान लीजिए, ठीक है, देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, तीन नंबर पर, देखिए लास्ट से तीन, ये पहला पैराग्राफ, दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। अगर ऊपर से करता तो एक दो तीन ये करता है, लास्ट से कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट, लास्ट एंथ, लास्ट ऑफ टाइप, यानी कि लास्ट से तीसरे नंबर पर कौन है, तो लास्ट से तीसरे नंबर पर पैराग्राफ कौन है, ये पैराग्राफ एक दो और ये तीन, ये जोर, ठीक है, ये जोर, ये जोर यहाँ पे देखेंगे पिंक हुआ होगा, देखिए ये जोर पिंक हुआ है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं, ये तो हो ही गया, देखिए अब डीप के बाहर की बात करते हैं। देखिए डीप के बाहर की बात, तीन नंबर पर कौन है भाई, तो ये एक, ये दो, ये तीन, नहीं यहाँ पर कोई एक दूसरा टैग भी होगा, देख लीजिए पहला स्पैन है तो इसको तो इग्नोर कर देगा, लास्ट से एक दो और तीन, तो ये जेक्वेरी ट्यूटोरियल साहो सब पिंक हुआ होगा, देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर पर कोई भी एलिमेंट हो, अगर आपको किसी नंबर पर किसी भी एलिमेंट को फाइंड करनी हो और उसको टारगेट करनी हो, तो एंथ लास्ट ऑफ टाइप यूज कर सकते हैं। तो वीडियो सही लगा होगा तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि सबको हमारा कोर्स, हमारा कंटेंट पढ़ने के लिए मिले और उनमें भी इम्प्रूवमेंट जल्दी से जल्दी हो, ताकि कॉरपोरेट में जब कभी भी काम करने का मौका मिले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि हमारे यहाँ सारे टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, एंगुलर, रिएक्ट, नोड, मोंगो एक्सप्रेस, AWS Azure, .NET, .NET कोर, jQuery, JavaScript, HTML, सारे टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ लमसम ट्रेनिंग होता है, ठीक, तो वो सब सीखने का मौका मिले, ठीक। और आप लोगों को इस वीडियो में, हमारी सीरीज के किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट्स हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर से जरूर करने वाले हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।